समस्याएं तो हमारी अनेक हैं। हमें फील्ड में रहते हुए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी एम्बुलेंस टाइम पे नहीं मिलती और हमारे को एनम परफॉर्मे पे साइन नहीं करती, तो वो अपने अनेक निजी काम करवाती है इससे। और हमारे को जो हरियाणा की सरकार कहती है कि नंबर वन हरियाणा, लेकिन हरियाणा में आशा वर्कर को कुछ भी नहीं मेहनताना मिल रहा, जबकि बहुत ही बुनियादी काम जच्चा और बच्चा की सुरक्षा करना, आम जनता तक स्वास्थ्य का मुहैया पहुंचाना, ये सब काम और काफ़ी अनेक काम है। RTI STI के केस PHC तक पहुंचाना और हर तरीके से हर पेशेंट को PHC तक पहुंचाना, OTP के पेशेंट की दवाई खिलाना। और हरियाणा की सरकार हमें केवल 1000 रुपये फिक्स और इंसेंटिव प्लस 50% हमें दे रही है, जबकि इतना हम जो मेहनताना करते हैं, हमारी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। किसी टाइम भी किसी गर्भवती का फोन आ जाए तो उसी टाइम हमने खाना छोड़ के और भागना पड़ता है, अपने बच्चों की भी केयर नहीं कर पाते, लेकिन सरकार हमारी आशाओं को कुछ मेहनताना नहीं दे रही। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आशा वर्कर को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और NHM को स्थाई प्रोग्राम बनाया जाए और आशा की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार को लेनी चाहिए। हम पवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा सिटू से संबंधित है। हमारी जो डिमांड है, जो भवन निर्माण में काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो जो काम करते हैं वो पूरा जीवन और अपने आप को पूरी शरीर को बेचते हैं जब काम करते हैं। तो एक तो सबसे पहले ये है कि उनका कोई भी उनको कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता किसी तरह से भी, जबकि वो तरह तरह की बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाते हैं और उनको किसी तरह का कोई स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी नहीं बना हुआ कोई, और अगर कहीं बने भी हुए हैं एक आधा तो उससे कोई लाभ भी नहीं मिलता। दूसरा ये है कि वो जो काम करते हैं, काम करने के स्थान पे जब कोई घटना घट जाती है, मौत हो जाती है या किसी तरह से अपाहिज हो जाता है, तो उसको भी जो सरकार की तरफ से जो लाभ है वो बहुत थोड़े हैं और उनको बढ़ाया जाए और उसमें भी बहुत ही मुश्किलों के बावजूद वो पैसा उन लोगों को मिलता है। यानी कि एक जो मजदूर है वो इतना जागरूक नहीं है और उनका पंजीकरण होना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो पंजीकृत मजदूर ही नहीं है। यूनियन के माध्यम से जितना हम कर पाते हैं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, न तो कोई एनवायरमेंट है, उसके बावजूद स्टाफ की भी इतनी कमी है डिपार्टमेंट के अंदर कि उनको जो पंजीकरण करने की जो काम है वो भी उनसे हो नहीं पाता और जो लाभ है वो लोगों को मिल नहीं पाते। और उसके साथ साथ जो इनका इसमें जो पेंशन योजना है वो पेंशन भी बहुत थोड़ी है, 1000 रुपये पेंशन है, उसको भी बढ़ाया जाए। प्रशासन अपनी गुंडागर्दी पे आपादा है। हमने पिछली सरकार के दौरान हमने 2014 में अपने गुड़गांव के अंदर स्ट्रीट वेंडरों का, मतलब रेडी पटरी वालों का सर्वे करवाया। सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने 14,176 लाइसेंस पहचान पत्र बनाए, जिसपे टोटल खर्च हुआ दो बार का 70 लाख रुपया प्रशासन ने खर्च किया। लेकिन 2014 के बाद अब तक वो 14,176 पहचान पत्र निगम MCG के अंदर कूड़े के ढेर में पड़े हैं, जो आज तक बांटे नहीं गए हैं। और जो एक्ट है 2014, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जब तक इन्हें स्थायी जगह ना दी जाए, जब तक उन्हें किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। लेकिन प्रशासन अतिक्रमण का नाम लेके, ट्रैफिक जाम का नाम लेके रेडी वालों को परेशान कर रहा है, उजाड़ रहा है, बेरोजगार बना रहा है, जिससे उनके परिवार को भूखा मरने की नौबत आ रही है। जो रेडियां, सरकारी रेडियां दी जा रही हैं, सरकारी रेडियां बांट रहे हैं ये, लेकिन वो रेडियां 1,06,000 जिसकी इन्होंने कीमत रखी है, वो महज 50 से 60 हज़ार की रेडियां हैं। लेकिन एक्ट के अनुसार वो लोन पर दी जानी है, लेकिन ये किसी का लोन नहीं करवा रहे। रेडी वाले से जबरन किसी से 1,06,000, किसी से 1.25 लाख, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2.5 लाख तक वसूल रहे हैं। जब अगर रेडी वाले पे अगर पैसा नहीं है तो वो रेडियाँ निजी किसी दुकानदार को दे देते हैं, जिसकी एवज में वो रेडी वाला जो काम कर रहा था पहले, वो उसको किराए पे लेना पड़ रहा है उसको, या वो जगह छोड़ के बेचारा बेरोजगार होके धक्का खा रहा है वो आज के डेट में।